हेलो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि ईस्टर्न मुंबई को साउथ मुंबई से जोड़ने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक ईस्टर्न फ्रीवे का निर्माण किया था। उसे अभी माननीय विलासराव देशमुख फ्रीवे के नाम से जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 16.8 किलोमीटर की है, जिस पर प्रत्येक ही आने जाने के लिए दो लेन का निर्माण किया गया है। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए उस वक्त 1,436 करोड़ रुपीज का खर्चा आया था और भविष्य में चलकर यह प्रोजेक्ट सफल भी रहा। पर इस प्रोजेक्ट का जो मुख्य उद्देश्य था कि इस फ्रीवे को इसके नॉर्दर्न साइड में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के साथ घाटकोपर में जोड़ा जा सके, यह पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि यह रास्ता मैंग्रोव वाले जमीन से होकर गुजरने वाला था। इसलिए इसका निर्माण सिर्फ चेंबूर तक ही किया गया, पर अभी इस रास्ते को सरकार ने एक्सटेंड करने का मन बना लिया है, जिसके तहत इस फ्रीवे को चेंबूर से एक्सटेंड किया जाएगा, जो कामराजनगर और रमाबाई कॉलोनी से होते हुए घाटकोपर सिग्नल तक जाने वाला है। इस फ्रीवे का निर्माण एक एलिवेटेड कॉरिडोर के स्वरूप में किया जाने वाला है। अगर हम इस प्रोजेक्ट के स्टेटस के बारे में बात करें तो MMRDA ने यह प्रपोजल अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर और MMRDA चेयरपर्सन माननीय एकनाथ शिंदे जी को भेज दिया है। इस प्रोजेक्ट के निर्माण से ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से साउथ मुंबई की तरफ जाने वाले यात्रियों को बहुत ही ज्यादा मदद होने वाली है। और इतना ही नहीं, सरकार यह भी प्लान कर रही है कि भविष्य में ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर आने वाली ट्रैफिक की समस्याओं को कम करने के लिए एक एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जो घाटकोपर से शुरू होकर थाने कोस्टल रोड को जोड़ा जाने वाला है। तो दोस्तों, आप इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हो, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।